पखांजूर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने माओवादी बनकर लूटपाट करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं ऐसे ही मामले में अन्य फरार आरोपियों की तलाश पुलिस ने तेज कर दी है। पुलिस ने बताया कि कांकेर के पंखाजूर क्षेत्र में कुछ बदमाश माओवादी वर्दी एवं हथियार के साथ खुद को नक्सली बताकर डकैती जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे थे। पुलिस को लगातार ऐसी घटनाओं की शिकायत मिल रही थी, लेकिन नक्सलियों के नाम के भय से लोग लूटपाट जैसी वारदात के बाद भी रिपोर्ट लिखवाने से घबरा रहे थे। इसी बीच एक पीड़ित विश्वजीत अधिकारी ने थाने में डकैती की शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित ने बताया कि पुलिस जैसी वर्दी पहनकर 3 नकाबपोश पिस्तलधारी उनके घर में घुस गए और उनके घर में रखी 5 लाख की नकदी और 2 लाख के सोने के आभूषण लूटकर फरार हो गए। लूट के दौरान आरोपी वायरलेस वॉकी टॉकी सेट भी रखे हुए थे, जिससे वे अपने साथियों को लाल सलाम बोल रहे थे। पुलिस ने इस घटनाक्रम से जुड़े 5 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है। इन लोगों के अन्य साथियों की तलाश जारी है। पखांजूर क्षेत्र में नक्सली वर्दी पहन के पिछले 2-2.5 महीने से वारदात होने की खबर मिल रही थी, लेकिन पीड़ित इतने भयभीत थे कि नक्सली के नाम से वो पुलिस के पास में रिपोर्ट करना तो दूर, वो अपने पड़ोसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बता रहे थे। इस बात की भनक पुलिस को लगी, लगातार वारदात को रोकने के लिए और उनको पतासाजी में लगे हुए थे। बहुत उसको दिलासा हिम्मत बधाए मोहल्ले पड़ोस के उसके शुभचिंतक लोग, तो उन्होंने अभी 28 तारीख को यहाँ आके रिपोर्ट किए कि उसके साथ में नक्सली वर्दी पहन के उसके घर में डकैती हुआ है और उसके जेवर सामान ले गए हैं। ये PB-22 का एक विश्वजीत विश्वास, 122 PB के विश्वजीत विश्वास ने रिपोर्ट किया, तो पुलिस फिर लगातार पतासाजी कर रही थी। मुखबिर की सूचना पे यहाँ स्थानीय 3 लड़के जो संदिग्ध हालत में थे उनको उठाया गया। उन्होंने अपनी वारदात करने की घटना को कबूल किए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।